राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मेरी तरह सर्दी जुकाम से तो दूर होंगे। मेरे पास तो है, और थोड़ी बहुत धूप निकल के आ गई तो मैं रोटी लेके ऊपर आ गई कि ऊपर बैठ के खाएंगे, क्योंकि डुड्डू है, डुड्डू ऊपर खेल रहा था। मीनू उसको लेके आ गई थी ऊपर, तो मैं लंच बना के और मैं फिर सीधा ऊपर आ गई थी, मम्मी पापा को सबको खिला के। और पीछे आ रही है कूड़े की गाड़ी, आ गई, उसकी आवाज़ आ रही है। तो बस अभी लंच करूँगी, और धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है। मैंने मशीन लगा दी थी, और मतलब कपड़े धुल दिए थे थोड़ी बहुत, अपने कपड़ों की इतनी लगाई थी, बाकी सबके कपड़ों की लगा दी थी। तो अभी बस बैठ के खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर कपड़े लेके आऊंगी। तब तक धूप जो है अच्छी निकल जाएगी, और थोड़ा टाइम रह रखा था तो तब तक खाना खा लेती हूँ। निकल गई, लेकिन हवा ठंडी चल रही है। मैंने खाना खा लिया, मीनू खा लिया। मीनू बहुत ज़्यादा खाना खाती है, लेकिन इसे शरीर में लगता नहीं है। ये कम से कम 10-12 रोटी खा लेती है आराम से। नहीं, मैं थोड़ा जल्दी खाती हूँ, और ये आराम से खाती है। और इसका मुंह देखो भाई, देखियो, दिखाइयो, इसके मज़े आ जाते हैं ऊपर आके। चाहे हवा चल रही हो, धूप निकली हो, ना निकली हो, रात को भी 9 बजे के आसपास है ना, रात को भी 9 बजे के आसपास ऊपर की तरफ हाथ कर रहा, वो सोते सोते उठ गया, रोने लगे कि ऊपर लेके चलो सर्दी में। तो अभी ठंडी हवा चल रही है, दिख रहा होगा आपको, कपड़े भी हिल रहे हैं, और ये देखो मेरा दुपट्टा भी हिल रहा है। और ठंडी है हवा, नीचे चली जाऊँगी, कपड़े सुखा के जाऊँगी एक बार आके। तो बस मैंने खाना खा लिया, चले मीनू का थोड़ा रह गया है। देखो सच में मजाक की बात अलग है, लेकिन मीनू ज़्यादा ही खाती है। ये देखो, ये पूरा मैंने खा लिया। हाँ, सारा का सारा मैंने तो बस दो टूक खाए थे। जो बचा है वो भी वीडियो बंद होने के बाद खाऊंगी। अभी नीचे और रखा है बना के मीनू के लिए, उसको जाके खा के देख, दो ये पी चुकी है। मारो तो ठीक रहेगा। क्यों, अभी टाइम हो गया है दूध का, और मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे क्यों जा रही हूँ, पीछे जाके बताती हूँ क्यों जा रही हूँ मैं, ठीक है। और डुड्डू, डुड्डू मेरे माथे पे बिंदी रहने नहीं देता, देखती हूँ कितनी देर रहने देता। आप लोगों को दिखाऊंगी उसको, बिंदी दिखते ही ए ए इधर उधर बिंदी ए ए चलती रहेगी उसकी। मैं पीछे चले जाऊँ, और मैं आ गई पीछे। ये देखो क्या कर रहा है डुड्डू। मैं पीछे इसलिए आई क्योंकि ये जो बच्चिया है इनको खुला छोड़ के चले गए मेरे हस्बैंड, और बोल के गए एक बार जाके पीछे देख लेना, क्योंकि बांधने की जगह है नहीं, और यहाँ पे ना चलो 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 यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ी मतलब आगे थोड़ी धूप आती है, यहाँ पे धूप आने का रास्ता है नहीं, इसलिए इनको बेचारियों को थोड़ी बहुत धूप मिल जाए वो खुला छोड़ देते हैं। और बच्चे इधर से गेट ना खोल दे, इसलिए यहाँ पे इनके पास खड़ा रहना पड़ता है, क्या एक जने को। ओए होए
ज़्यादा कड़ी होगी, एक मिनट ला मैं निकालू, मैं निकालू। डुड्डू ने अपनी अपनी पकड़ी हुई है, ये देखो कहाँ लेके जा रहा है डुड्डू, बस बोचू। यहाँ पे ना धूप आने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, एक मिनट में देखो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से निकाल के चले गए थे, अंदर तो बंद है मम्मी। ओके देखो धूप आने की ज़्यादा जगह है नहीं, मेरे को डर लगता है अंदर जाने में, क्योंकि सीन करती है ना ऐसे। ऊपर से ऐसे खुला रखवाया है थोड़ा, ये यहाँ से बाहर से जो लगा दी पन्नियाँ। कर लियो बंद मम्मी। और बच्ची आ गई वापस अंदर से, क्योंकि दूध का टाइम हो गया और दूध निकालने वाले जो हैं आ गए। डुड्डू आ जाओ, और डुड्डू पीछे दौड़ रहा है कि मेरे को चाहिए। एक एक की रस्सी पकड़ के रखी है, ये देखना अभी जाएगा पकड़। ए वो पकड़ ली यो, देख रस्सी पकड़ रहा है। आ जाओ चलो चलो डुड्डू पीछे चलेंगे हम, आओ आओ पीछे आ गए। तो साथ साथ देख लेते हैं, बच्चिया तो गई अंदर, बच्चा देखने के लिए ही आए थे हम, उनका ध्यान रखना था। हम अपना लालच पूरा कर लेते हैं, तो साथ साथ देख लेते हैं अमरूद। ऐसे कम रह रखे अभी, लेकिन देख लेते हैं, ठंड तो लग रखी है। वैसे मैं कम खाती हूँ, लेकिन पता नहीं पीछे आके ना फिर वो शौक होता है कि चलो देख लेते हैं, तोड़ देते हैं। हाँ बिट्टू हाँ तोड़ रहे, हाँ 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 वो आवाज़ लगा रहा, ए कि तोड़ो अमरूद। तो देख लेते हैं अमरूद है या नहीं, और पीछे से जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है यहाँ से, कोई भैया वहाँ पे पीछे ना लकड़ी जो है वो कट कर रहा है, मतलब कि बीच में से वो कुल्हाड़ी लेके उसको हमारी लैंग्वेज में लकड़ी काट रहा है। हाँ तो बस अमरूद देख लेते, दिख तो नहीं रहे, सारे कच्चे ही हैं, देखते मिलते हैं तो और फिर लेके जाएंगे आगे। और दूध वाले भैया दूध निकाले, फिर बनाएंगे वही हमारी चाय, और चाय बना के फिर पियेंगे हम गर्मा गर्म चाय, क्योंकि नहाने के बाद आज मैंने चाय नहीं पी है। और आज बर्फ़ जैसी हवा चल रही है, एकदम ठंडी है ना, पति एकदम ठंडी ठंडी चल रही है। और ये देखो मीनू, मीनू की फेस से बड़ा मीनू का जुड़ा है। हैवी बाल भगवान ने शुरू से दिए। तो ठीक है, आज मीनू के साथ ज़्यादा मस्ती नहीं होगी, कुछ मतलब करते ही हैं हम, लेकिन ये ना आती नहीं है वीडियो में, थोड़ा शर्माती है, पता नहीं क्यों शर्माती है। आती है तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप अच्छी आ जाती है, यहाँ पे ना वो छोटी छोटी जो बछड़ी है उनको खोल के यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं, तो उनको धूप लग जाती है, उसी मोटिव से आए थे। लेकिन टाइम हो गया था ज़्यादा, आज सुबह से धूप इतनी अच्छी निकली थी नहीं, अभी थोड़ी निकली थी, सोचा खोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन अभी जो है हम जा रहे हैं आगे, और अमरूद हमने तोड़े नहीं क्योंकि अमरूद थे कच्चे। कराएंगे ट्यूशन का काम समर्थ का, समर्थ गए गाय देखने गए, समर्थ अच्छा समर्थ गए अपने पापा के साथ एक और गाय देखने के लिए, क्योंकि हम सोच रहे एक और गाय ले लें पापा दादू उन लोगों के साथ। हमारे घर की तीन जनरेशन गई, तो तीनों जो हैं वो चले गए, डुड्डू बचाया हमारे पास। डुड्डू ने बिंदी पे ध्यान ना दिया, बिंदी मैंने ये कह दी मेरी नमत दिखाओ अपने आप, ज़्यादा फेल करवा लिया। ये देखो मम्मी, मम्मी के जूतों पे नाइस। मम्मी लगी है पीछे, गाय का सारा काम मम्मी है, मम्मी ही संभालती है मतलब। तो बस अभी आगे जा रही हूँ, जाके बनाऊँगी अपने लिए, तो क्या आ जाए, वो लोग पास में ही गए गाय देखने के लिए, उसके बाद चाय बनाऊँगी, बाहर गल गई, एक बार अंदर हो लेती हूँ। तो ठीक है, मिलती हूँ आपको अपने नए व्लॉग के साथ, देखते रहिएगा कल का व्लॉग अच्छा आएगा, मार्केट दिखाऊंगी, शायद मार्केट जाने वाली हूँ, ठीक है, नजरपुर मार्केट। बाय बोल दो डुडू, तो ठीक है बाय बाय। हम तो आगे जाने के लिए हो गए तैयार, लेकिन डुड्डू को देखिए, डुड्डू को देखो, डुड्डू को नहीं जाना, जैसे शरारतें ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना डुड्डू। ये देखो एक शूज यहाँ पे निकाल दिया, उसमें से पैर अंदर डाल रहा था, अभी देखो चले।
पत्थर उठा लिया अपने कैल्शियम पहले ढूंढेगा भाई। बेटा मम्मी कहता है पथरी तेरी भी गला निकलवानी पड़ेगी। चलो चले।